देखिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। बीजेपी लगातार चुनाव के संदर्भ में तैयारी कर रही है। दो दिवसीय बैठक गुरुग्राम में बुलाई गई है। टिकटों को लेकर मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सर चुनाव का ऐलान हो गया है, जल्दी चुनाव होंगे और जो है दो दिवसीय मंथन भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से प्रक्रिया जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी है और एक प्रक्रिया रहती है भारतीय जनता पार्टी की कि चुनाव समिति में पहले प्रांत की चुनाव समिति में मंथन होता है विधानसभा के हिसाब से कैंडिडेटों का, और उसके बाद फिर केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व फिर उम्मीदवारों को फाइनल करता है। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है उम्मीदवार फाइनल करने का, वो कल से आप उसको परसों से शुरू होता है, उसको आप देखेंगे। दूसरी तरफ सर कांग्रेस की तैयारियों किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और साफ तौर पर जो है जिस तरीके से कैंडिडेट उनके पास देखने को मिलते नजर आ रहे, वो कह रहे हैं कि 2500 से ज़्यादा जो आवेदन है वो उनके पास जो आते हुए नजर आए। देखिए निश्चित रूप से ठीक बात कह रहे हैं आप कि कांग्रेस पार्टी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। 2500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है, वो तैयारियां इनकी शुरू हो चुकी हैं। आपस में एक राजनीतिक द्वंद्व इनका शुरू होने की, अब कहीं पे हुड्डा साहब की कांग्रेस दिखाई देती है, कहीं पे शैलजा जी की दिखाई देती है, कहीं पर रणदीप सुरजेवाला जी की दिखाई देती है। तो कांग्रेस पार्टी की अब जो तैयारियां हैं वो आपस में लड़ने भिड़ने की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं और ये द्वंद्व उनका बहुत जल्दी आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके साथ जो लोग लगते हैं उसमें से जो उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, उनकी कोई विचार नीति सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, टिकट नहीं मिलती दिखती है तो फिर वो कूद करके किसी दूसरी नाव में सवार होते दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों का टोला कांग्रेस पार्टी के पास है और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी जल्दी जल्दी अपने उम्मीदवारों को घोषित नहीं करेगी, इसी कारण से के उम्मीदवार घोषित करते ही एक को घोषित करेंगे, बाकी सारे दौड़ करके अपनी अपनी राजनीतिक रास्ता तलाशते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत है तो हुड्डा साहब अपने कैंडिडेट कल घोषित करके दिखा दें। सर बात करें अलग अलग यात्राएं जो है कांग्रेस के नेता निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मकसद एक है, कह रहे हैं कि 10 साल में जो है कोई काम प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी वर्ग के लिए जो है नहीं किया गया। हालांकि हमने देखे पिछले दिनों जो घोषणाएं वो देखने को मिलती हुई नजर आए, अग्निवीर की बात की जाए, किसानों के संदर्भ में बात की जाए। देखिए घोषणा तो वो लोग करते थे, वो लोग युवाओं की नौकरियों की लूट करते थे, सामान्य और गरीब आदमी के अधिकारों की लूट उनकी सरकारों के अंदर होती थी। हमारी सरकार ने इन 10 सालों के अंदर जहां युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार, हरियाणा प्रदेश में स्वप्न हो चुका था युवाओं के लिए, क्योंकि जिसकी भी सरकार आती थी वो पहले अपने घर परिवार के लोगों को नौकरी देते थे, फिर अपने रिश्तेदारों को दे देते, फिर उसके आगे रिश्तेदारों की बात होती थी, फिर सारा इनका कोटा पूरा हो जाता था तो पैसे वाला कोटा शुरू हो जाता था। हमारी सरकार ने युवाओं के साथ न्याय किया और मेरिट के आधार पर रोजगार देकर के युवाओं के सपनों को साकार किया। इनकी सरकारों में किसान को लाभकारी मूल्य कभी नहीं मिला, इनकी सरकारों के समय में किसान कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी अपनी फसल की बिक्री के लिए, कभी भाव के लिए सड़कों पर आता था और सड़कों पर लाठी डंडे और गोलियां तक खाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान को सारी सुविधाएं, हमने किसान को खेती के लिए बिजली ठीक टाइम पर और उपयुक्त उपलब्ध करवाई जितनी उसकी चाहिए थी, गांव के अंदर 5,500 से ज़्यादा गांव के अंदर हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया, किसान की फसल तुरंत मंडी में आकर के बिके और 24 घंटे के अंदर उसकी बिक्री के बाद उसकी पेमेंट उसके खाते के अंदर जाए, व्यवस्था हमारी सरकार ने करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के राज को मैं कहता हूँ कुशासन था वो, उसको लोग भूले नहीं हैं और ये 10 साल में एक अच्छा शासन देने का काम हमारी सरकारों ने किया है, इसके आधार पे लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे, एक रिकॉर्ड हरियाणावासी बनाएंगे। सर राज्यसभा चुनाव की बात करें, कल जो है अंतिम दिन है नामांकन के लिए, कब तक जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जो है घोषित करती हुई नजर आ सकती है? हालांकि कांग्रेस जरूर ये कह रही है कि उनके पास जो पूरे नंबर है वो नहीं, अगर दूसरे लोग जो है नंबर लेकर आते हैं तो वो अपना उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर पूरे हैं और आज शाम को हमारा पर्चा भरा जाएगा,
यानी कि उसकी तैयारी हो जाएगी और कल विधिवत पेपर दाखिल हो जाएगा और आज आपको दिन में हमारे उम्मीदवार की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कर दी जाएगी, वो आप लोग देखेंगे। जननायक जनता पार्टी जरूर कांग्रेस पर निशाना साधे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक भी अब कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं जो है मैदान में उम्मीदवार उतार रहे, कोई साठ घाट तो नहीं? देखिए, कोई किसी के ऊपर उनमें से विश्वास नहीं करता है, हुड्डा साहब भी उन पर विश्वास नहीं करते और वो हुड्डा साहब के ऊपर विश्वास नहीं करते। कहने के लिए कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला कि हम समर्थन दे देंगे, लेकिन देने वेने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत करके जाएगा। शुक्रिया। सुभाष बराला जी थे जनता टीवी से, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।